हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे पांच ऐसी गन्ना किस्मों के बारे में जिनकी मोटाई बहुत ही शानदार है, यानी कि आपको जो है इनका उत्पादन जो है बहुत ही अच्छा जो है देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये जो पांचों गन्ना किस्में होंगी ये किस समय रिलीज गन्ना किस्में होंगी, यानी कि आपकी जो फैक्ट्रियां हैं इसको ले रही होंगी यानी कि इसको खरीद रही होंगी, तो आप इसको जो है बेहिचक लगा सकते हैं। तो ये पांच गन्ना किस्में कौन सी हैं इसके बारे में जो है आज की इस वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हों तो कृपया हमारे चैनल को किसान भाइयों आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। इसमें जो पांचवे नंबर पे जो गन्ना किस्म है वो आपके सामने खड़ी, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये अप्रैल प्लांटिंग का गन्ना लगा है हमारा, और ये गन्ना जो है ये हमारा 16030 है जो कि करनाल की गन्ना किस्म आई है। ये भी नवीनतम गन्ना किस्म आई है करनाल की, और ये देख रहे होंगे इसका जो गन्ना है कुछ इस तरह का होता है। ये हमारा जो वैरायटी है ये 16030 है सीओ जो कि करनाल की है। ये गन्ना वैरायटी जो है कि सामान्य में रिलीज हुई, यानी कि सामान्य जो है प्रजाति है, परंतु इसका जो उत्पादन है वो बहुत ही अच्छा है, यानी कि उत्पादन क्षमता इस वैरायटी की जो है बहुत ही अच्छी है। और इस वैरायटी में खास बात ये भी है कि समझो कि ये बहुत ही कम लागत मांगती है, यानी कि बहुत लागत चाहने वाली ये वैरायटी नहीं है। जैसे कि देख पा रहे होंगे चौड़ा इसका पत्ता होता है और हरा भरा ये गन्ना होता है, यानी कि थोड़ा इसका जो कलर है 15023 से थोड़ा मिलता जुलता है, परंतु इसमें लचक नहीं है 15023 जैसे, और मोटाई जो है बहुत ही शानदार रहती है। ये जो आप देख पा रहे होंगे गन्ना इस समय वीडियो में, ये गन्ना जो है ये सीओ 16030 गन्ना प्रजाति का है। इसकी जो औसत पैदावार क्षमता है वो 400 से लेकर के 450 क्विंटल प्रति एकड़ की रहती है। यदि आप अच्छा प्रबंधन रखेंगे तो आप इसको जो है 600 क्विंटल तक भी जो है एकड़ का आप आसानी से निकाल सकते हैं। और नंबर चार पे जो हमारी गन्ना किस्म है ये जो आप जो वीडियो में देख पा रहे होंगे ये किस्म है हमारी 17018 जो कि करनाल की अभी नवीनतम गन्ना किस्म जो है रिलीज हुई है। ये गन्ना किस्म जो है काफ़ी अच्छी मोटाई रखती है, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, और इसकी एकदम गोल आंख आपको देखने को मिलेगी। ये जो प्रजाति है सीओ 17018 है, ये बिल्कुल नवीनतम गन्ना किस्म जो है आप अभी वीडियो में जो है देख पा रहे होंगे 17018 जो कि करनाल की गन्ना किस्म है। इसके पत्ते काफ़ी चौड़े होते हैं, इसमें आपको पोका बोइंग या फिर जो है टॉप बोरो जैसी शिकायत जो है आपको इस प्रजाति में देखने को नहीं मिलेगी। ये जो गन्ना किस्म है सामान्य गन्ना किस्म यानी कि जनरल किस्म का गन्ना है, परंतु इसकी पैदावार क्षमता जो है काफ़ी अच्छी है। अगोले में जो है आपको कहीं भी इसके जो है कांटे वगैरह देखने को जो है नज़र नहीं आएंगे। ये गेहूँ काटने के बाद में जो है हमें थोड़ा बीज मिला था तो हम लोगों ने इसको लगाया है, यानी कि गेहूँ काटने के बाद में जो है गन्ने की बुआई हुई थी, फिर भी जो है गन्ने की जो मोटाई है वो आपके सामने है काफ़ी शानदार जो है आई हुई है। इसके बारे में नंबर तीन पे जो गन्ना किस्म जिसको आप लगा सकते हैं जिनको आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा ये है आपकी किस्म, ये जो आप देख पा रहे हो वीडियो में ये है 18231 जो कि करना आपका जो है शाहजहाँपुर गन्ना शोध संस्थान से जो है अर्ली गन्ना किस्म के तौर पे जो है लॉन्च हुई है। जैसे कि आप इस वीडियो में जो गन्ने देख पा रहे होंगे ये वाला जो कोण है ये आपका 18231 का कोण है, उधर वाला जो कोण था वो आपका 17018 का था। दोनों गन्ने जो हैं वो बराबर में खड़े हैं, बहुत ही शानदार इसकी भी मोटाई आती है। अगर मैं आपको आपके से भी दिखाऊं तो ये देख रहे होंगे ये जो किस्म है ये आपकी 18231 है, ये भी लेट प्लांटिंग का गन्ना लगा है, फिर भी जो है गन्ने का जो अगोला देख रहा हूँ काफ़ी हरा भरा है और गन्ने की जो मोटाई है वो काफ़ी अच्छी आती है। इससे मैं आपको अगर निकोल के भी दिखाऊँ तो ये देख रहा हूँ कि गन्ना ये आपका 18231 गन्ना प्रजाति जो शाहजहाँपुर वाली थी उसका गन्ना देख पा रहे होंगे। जो आपका इसका यदि हम लोग बात करें उत्पादन क्षमता की तो 18231 का जो औसत उत्पादन क्षमता है वो 400 क्विंटल प्रति एकड़ की रहती है। यदि आप अच्छा प्रबंधन रखेंगे तो इसको 450 से लेकर के 500 क्विंटल जो है आप एकड़ का काट सकते हैं, और काफ़ी अच्छी प्रजाति जो है आपकी ये 18231 है। और जो है आगे अभी किसानों को भी इसका जो बीज है संस्थान के द्वारा भी दिया जाएगा, तो आप जो है यदि आपको उसका कहीं बीज मिलता है तो आप इसको लगाएं जरूर, क्योंकि प्रजाति जो है काफ़ी अच्छी जो है आपके लिए साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें रोग जो है वो काफ़ी कम आते हैं। नंबर दो पे हमारी जो गन्ना किस्म है वो है कोशा 13235 जो कि शाहजहाँपुर की गन्ना किस्म है। यह गन्ना किस्म जो है काफ़ी हमारे जो किसान भाई हैं इस गन्ना किस्म को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये जो गन्ना किस्म है बहुत ही कम जो है लागत किसानों से मांगती है। इसके साथ साथ गन्ने की जो लंबाई जाती है वो काफ़ी जो है लाजवाब जाती है, और ऐसे क्षेत्र जहाँ पे हल्की ज़मीनें भी हैं वहाँ भी जो है इस प्रजाति का बहुत ही अच्छा जो है रिजल्ट किसानों के सामने जो है इस प्रजाति का निकला है। यानी कि कुल मिलाकर जो है इस प्रजाति को यदि आप लगाते हैं तो आपको जो है काफ़ी अच्छा जो है इसका जो है उत्पादन देखने को मिलेगा। लंबी पोरी का गन्ना होता है, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। जैसे आप देख रहे होंगे ये गन्ना जो है आपका ये आपका कोशा 13235 गन्ना किस्म की जो है ये पेड़ी गन्ना आप देख पा रहे होंगे, जिसकी जो है हम लोगों ने कटिंग जो है इसकी पौधे की मार्च के महीने में की थी,
और फिर भी जो गन्ने की जो आप देख रहे होंगे हाइट वो काफ़ी अच्छी है। आखिरी मार्च की गन्ने की हम लोगों ने जो है इसका पौधा गन्ना काटा था और इस समय इसकी जो पेड़ी खड़ी है वो काफ़ी लाजवाब खड़ी है। यानी कि यदि आप इस गन्ना किस्म को लगाते हैं तो आपको जो है तकरीबन 350 से लेकर के 400 क्विंटल जो है बहुत ही आसानी से जो है उत्पादन लेकर जाएगी। यदि आप अच्छा प्रबंधन रखेंगे तो आप इसको 500 क्विंटल तक भी जो है एकड़ का आप इसको काट सकते हैं। और पहले नंबर पे जो गन्ना आप देख पा रहे होंगे, ये आप गन्ना देखने से ही पहचान गए होंगे, ये है कोलख 16202 के प्लॉट में खड़े हैं। ये प्रजाति जो है अर्ली गन्ना किस्म के तौर पे जो है हमारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और इसके सिवा जो है उत्तराखंड के लिए लॉन्च हुई है। इस प्रजाति की जो मोटाई है वो सबसे अधिक है, जैसे कि आप गन्ने में जो है इसकी मोटाई देख भी पा रहे होंगे। जहाँ से गन्ने की पत्ती उतरती है वहाँ से गन्ने का जो कलर होता है वो हल्का लाल हो जाता है, और जहाँ से आप ताज़ी पत्ती अगर आपको छुड़ा के दिखाऊँ तो ताज़ी पत्ती जहाँ से छुड़ाएंगे वहाँ से गन्ने का कलर जो होता है वो पीले कलर में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ये देख रहे होंगे गन्ने की जो मोटाई है वो काफ़ी लाजवाब रहती है, यानी कि मोटाई से संबंधित और लंबाई से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत जो है कोलख 16202 के जो है गन्ने में देखने को नहीं मिलेगी। यदि मैं आपको बाहर भी निकल के दिखाऊँ तो गन्ना आप देखेंगे कि गन्ने की जो मोटाई है वो काफ़ी अच्छी है और गन्ने की लंबाई भी काफ़ी अच्छी है, यानी कि इसकी जो पैदावार क्षमता है वो आपको काफ़ी जो है अच्छी देखने को मिलेगी। ये 42 इंच पे जो है सिंगल लाइन में गन्ने को हम लोगों ने लगाया था और इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये जो गन्ना खड़ा है ये कोलख 16202 गन्ना किस्म का गन्ना खड़ा है, जो कि अगेती यानी कि शीघ्र पकने वाली गन्ना किस्म है। इस प्रजाति की जो लंबाई है वो काफ़ी आकर्षक है, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, और साथ साथ बहुत ही कम जो है आपसे लागत मांगती है। जैसे कि ये देख रहे होंगे ये जो गन्ना है ये 16202 का गन्ना है, और इस गन्ना किस्म की जो है तुलना आप जो आपकी पहले की किस्म थी 38 उससे आप कर सकते हैं, क्योंकि गन्ने की जो मोटाई और लंबाई है वो बिल्कुल वैसी ही जाती है जैसे 38 की थी। जैसे कि ये देख रहे हो लंबे लंबे गन्ने के इंटरनोड रहते हैं, ये इसकी खास विशेषता है, और बहुत ही कम गिरती यानी कि जो है इसमें लॉजिंग भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी। जैसे कि आप मैं आपको अंदर भी दिखाऊं तो अंदर भी आप देख पा रहे होंगे काफ़ी हरा भरा जो है इसका अगोला जो है आपको देखने को मिलेगा। ये देख रहे होंगे काफ़ी आकर्षक जो है गन्ने की लंबाई आपको नज़र आ रही होगी। तो ये थी जानकारी के संबंध में, यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।